Hello, Ashton Martin, and I'll start playing. Happy Independence Day. केड़ो इंडिपेंडेंस डे, कौन सा इंडिपेंडेंस डे? दरवाजा बंद कर लो, छप्पा बंद कर रहे थे। ये शेर डके दे नहीं बुला दो, हाँ नहीं हो क्या? बस ये खुले लो जन विंडो जी। कौन सा इंडिपेंडेंस डे? वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जिसमें बलूचिस्तान में मसले हो रहे हैं, केपी के में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को छोड़ दो, वो अलग अपना मुल्क मानते हैं, ये वाले अलग, सिंध वालों से अलग बोलते हैं, पंजाब वालों के को अपने दर्द हैं। कौन सी इंडिपेंडेंस? वो इंडिपेंडेंस जहाँ पे गरीब अवाम रो रही है, मर रही है, अमीर अमीर हो रहा है। पता है जो ब्रिटिश का रूल था ना, अगर आप कभी टाइम मिले मेडिकल से फ्री होकर आप हिस्ट्री को पढ़ें, हिस्ट्री में जो ब्रिटिश का पीरियड था 1857 से 1947 तक, ये जो पीरियड है इनका, ये बड़ा अच्छा पीरियड है मैं मानता हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जितने भी आदमी अपॉइंट किए थे मुस्लिम या हिंदू, वो बड़ी मेरिट पर थे, मेरिट पर अपॉइंटमेंट होती थी, जाहिल लोग की भर्ती नहीं होती, एजुकेशन सही सही थी, ज़बरदस्ती एजुकेशन दी जाती थी, ज़बरदस्ती सेहत का वक्त के हिसाब से सही सिस्टम था। अभी क्या है, सारी दवाएं दो नंबर, सबसे बड़ा चोर टीचर और डॉक्टर बन गया है, पुलिस को पीछे कर दिया है इन्होंने, डॉक्टर दवाई दे रहा है 5000 की टेस्ट लिख रहा है, कैसे गरीब आदमी जाएगा अच्छे डॉक्टर के पास जो 5000 की आगा खान से टेस्ट लिखवा रहा है, 50000 की भी टेस्ट है नॉर्मल डिजीज की, आप ये टेस्ट करवाएं ना, FSH, LH, ESH, AMH, ये जो हार्मोनल टेस्ट हैं, ये आपको 5000 से 20000 तक ये टेस्ट होंगी। पता है होता क्या है, ब्लड लेनी पड़ती है, कुछ केमिकल्स होते हैं उसमें डालने पड़ते हैं, FSH के साथ वो मिल जाएंगे, एक्टिविटी दिखाएंगे, नंबर दिखाएंगे, भाई FSH इतना है, ये टेस्ट है, टोटल प्रोसीजर इतना है, और पैसे खामखा इतने लिए जा रहे हैं, और डॉक्टर जो पेशेंट भेज रहा है 5000 उसमें से 1000 डॉक्टर का, 4000 लेब वालों के, 20000 में से 5000 डॉक्टर के, 15000 लेब वालों के, और टीचर 2.5 लाख पगार सैलरी लेकर 10000 का भी काम नहीं कर रहे, सस्ते हैं, बिल्कुल सस्ते हैं, केमिकल सस्ते हैं, खामखा फालतू बस। तो 2.5 लाख वाले टीचर 2500 सैलरी दी, इनका हक नहीं है, एक बीरट नहीं लेते, अखबार जाके पढ़ के चाय पी के वापस चले आते हैं। और अभी मिनिस्टर ने कहा है, सरदार शाह ने, कि मैं क्या करूंगा, ये जो 2.5 लाख वाले हैं सीनियर टीचर, इनकी टेस्ट लूंगा, और अगर टेस्ट में ये पास हो गए तो मैं इनको अपॉइंट करूंगा। और इनको गुस्सा आ गया, 2.5 लाख वालों को, 3 लाख वालों को गुस्सा आ गया, इन्होंने कहा हम मिनिस्टर से भी टेस्ट लेंगे, और वो जो पास हो जाएंगे वो मिनिस्टर रहेंगे, बाकी को हम उतरवा देंगे। भाई पहले तो ये बताओ, अगर आप 2.5 लाख ले रहे हो, अगर डिजर्विंग हो तो आप चुपचाप करके टेस्ट दो, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये भी तो आपने अपॉइंट किए हैं अवार्ड देकर, ये खुद आए हैं, इन्होंने हुकूमत हमारे ऊपर खुद की है, हमने इनको बड़ा किया है, जैसे हम वैसे ये, सारे जैसे हैं हम, तो ये आज़ादी है हमारी। खामखा टाइम ज़ाया हो गया इनकी बातों पर। बहरहाल अगर इनको गुस्सा आ रहा है तो इनको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आजकल यूट्यूब है, 1 घंटा नहीं निकाल पाते, 7 घंटे भी ड्यूटी नहीं है, 2 पीरियड हैं, 1 पीरियड जाके कॉलेज में मोबाइल खोल के पढ़ लें गूगल से, आज तो AI आ गया है, यूट्यूब से मेरे लेक्चर सुने बायो के लिए अस्तगफिरुल्लाह, मतलब किसी के भी सुन लें, ये कहने का मकसद है बच्चों को पढ़ाएं, आराम की बाजार खा के, और फिर कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उनसे हम लड़ेंगे। चलो भाई, जो हुआ सो हुआ, ये इंडिपेंडेंस हमारी।
अल्लाह करे कोई सिस्टम अच्छा हो जाए, लग नहीं रहा। नाउ गोइंग टू स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के, पिट्यूटरी ग्लैंड के, टेस्टिस के, ओवरीज के, एड्रेनल ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के, जहाँ के भी हार्मोन हैं सारे के सारे हार्मोन पढ़ेंगे हम। चलो शुड वी स्टार्ट नाउ कि भाई ये जो हार्मोन मैंने लिखे हैं, ये हार्मोन, ये सारी लाइन हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं। ये जो ब्लैक कलर से मैंने हार्मोन लिखे हैं, ये वाले हार्मोन यहाँ तक, ये हार्मोन आ जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं ना, ये आएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब से, एंटीरियर लोब से। आपको पता है सबको, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को मैसेज देता है, पिट्यूटरी आगे मैसेज देता है। तो ये वाला हार्मोन भी कहाँ आएगा, पिट्यूटरी के एंटीरियर पर। ये वाला भी पिट्यूटरी के एंटीरियर पर। ये हार्मोन नाम है इसका क्या, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ऐसा हाइपोथैलेमस से बना हुआ हार्मोन है जो क्या कह रहा है, क्या करवाएगा, ग्रोथ तो होती है बोन्स पर, मसल्स पर मोस्टली, यहाँ आना चाहिए ना। ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। फिर ग्रोथ हार्मोन आता है कहाँ पे, कहाँ पे आता है, बोन्स पर और मसल्स पर। तो ठीक हो गया कि भाई ये वाला जो हार्मोन है ये कहाँ का हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का। कौन सा रिलीज करवाया हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी से। किसके कहने पर, इसके कहने पर। ये किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस। क्या मैं ये कहूँ, हाइपोथैलेमस ने हुक्म दिया पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करके जाए, भेजो मसल के पास और बोन के पास ग्रोथ करवाने के लिए। अब अगर ग्रोथ हार्मोन आया और नॉर्मल आया तो ग्रोथ भी कितनी होगी, नॉर्मल होगी, सही होगी। और अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुआ, GnRH कम प्रोड्यूस हुआ तो ग्रोथ हार्मोन भी कम प्रोड्यूस हुआ, तो बोन और मसल ग्रो उतना नहीं करेंगी। तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन कब कम हो रहा है, इन्फेंट एज में, अर्ली एज में, तो बताएं हाइट बढ़ेगी, हाइट बोन के बढ़ने से हाइट बढ़ती है। अगर हाइट नहीं बढ़ेगी तो मसला हो जाएगा। ऐसे आदमी को हम कहेंगे ड्वार्फिज्म, ऐसी कंडीशन को कहेंगे ड्वार्फिज्म। मतलब जहाँ पे हाइट कम रह जाए ड्यू टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और अगर यही हार्मोन, अच्छा मुझे बताएं, अगर 25 साल के बाद ये हार्मोन कम हो जाए तो हाइट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हाइट 20-25 साल तक बढ़ती है, समझ आ रही है ना। तो ये डॉर्फिज्म हो रही है, मतलब हार्मोन कब कम हुआ है, जब बच्चा छोटा था, जब बच्चा बढ़ रहा था एडल्टहुड के से पहले। चलो भाई, उसके बाद अगर ये हार्मोन जो है GH हार्मोन बढ़ जाए उसी एज में, चाइल्ड एज में, अर्ली एज में, ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो बोन भी लंबे हो जाएंगे, तो हाइट बढ़ जाएगी, इसे कहेंगे जिजांटिज्म। मतलब इस आदमी की हाइट कितनी होगी, बहुत बड़ी हाइट होगी, ठीक है, बहुत बड़ी हाइट होगी, इतनी ऐसी। और ये वाला डॉर्फिज्म कैसे होगा,
ये ऐसे होगा, ऐसी हाइट होगी। और अगर आदमी एडल्ट हो जाए, एडल्ट होने के बाद अगर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एडल्ट होने के बाद अगर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हाइट नहीं बढ़ेगी, हाइट नहीं बढ़ेगी। जितनी है 25 साल नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ तो हाइट भी नॉर्मल है। अब हाइट नॉर्मल है, इसके बाद अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बोन थिक होंगे, उसको कहते हैं क्या, एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली का मतलब है बोन का लंबा हो जाना या बोन का थिक हो जाना। बोन का थिक हो जाना, बोन थिक हो जाते हैं यहाँ पे बोन बड़े हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे बोन छोटे पड़ रहे हैं और यहाँ पे बोन थिक हो रहे हैं। कौन से बोन भाई, बोन कौन से छोटे पड़ रहे हैं, सॉरी थिक हो रहे हैं, एक हाथ के बोन, ठीक है, पैर के बोन और चिन के बोन, ठीक है, नोज के बोन, रिस्ट के बोन, हाथ रिस्ट पैर नोज, ये बोन जो है वो लाउड गालायो, लाउड गालायो, अन्य लाउड गालायो, प्रकार पानी पिया जाए। असनेन चवे तो भाई सही आ, नेट सुखी लग रहा हो, सुने भाई, चलो ये लिख लें कौन कौन से बोन थिक बढ़ जाएंगे, मैंने बता दिया, नहीं लिखे तो लेक्चर सुन के फिर ये लिख लेना। अच्छा सुने, हार्मोन, दूसरा हाइपोथैलेमस का क्या नाम है इसका, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन उनको कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर एक ही बात है, रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर जो पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाए, ये इसने भी पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाया, ये भी पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाएगा भाई। GnRH गोनेड के लिए पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाएगा, सही बात कह रहा हूँ, गोनेडोट्रोफिन के लिए रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज करवाएगा, पिट्यूटरी से हार्मोन प्रोड्यूस होगा, एक का नाम है क्या, एक का नाम है FSH, दूसरे का नाम है LH, पहले फंक्शन किसका, वेरी गुड, पहले FSH का, मैं अगले पेज पे FSH और LH के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे FSH स्पर्म और एग की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, कैसे एग LH स्पर्म और एग की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। तो ये स्पर्म और एग बनवाते हैं दोनों, अब कैसे काम करेंगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमारा रह गया, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। चलो TRF क्या नाम है इसका, थायराइड के लिए रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, मतलब ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा, क्या रिलीज करवाएगा हार्मोन भाई, कौन सा हार्मोन, नाम बताएं, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, कोई ना तो बुधाए ऑनलाइन वाला भी आश्रो को ना तो बुधाए ना जो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भाई सुने, ये हार्मोन कहाँ जाएगा, ये हार्मोन कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और वहां से तीन हार्मोन रिलीज करवाएगा, एक का नाम है T3, दूसरे का नाम है T4, तीसरे का नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन तो पता है आपको, जब कैल्शियम बढ़ जाता है ब्लड में, जब कैल्शियम बढ़ जाता है ब्लड में तो ये प्रोड्यूस होता है और क्या करता है, कैल्शियम को ब्लड से बाहर, क्या ब्लड से बाहर मतलब बोन में, ब्लड से बाहर मतलब यूरिन में, है ना, ब्लड से बाहर मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन है
जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से जो हमने कैल्शियम खाया, मुझे बताएं ये हार्मोन इस कैल्शियम को आने देगा ब्लड में या रोकेगा? क्या करेगा? कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम को क्या कर रहा है? कम। कैसे? बोन में डिपॉजिट करके, मतलब ब्लड से निकाल रहा है इनटू द बोन, मतलब कैल्सिफिकेशन, ओसिफिकेशन, मिनरलाइजेशन बोन की, विटामिन कौन से, विटामिन की प्रेजेंस में, विटामिन डी, विटामिन डी अंडा मजबूत करने वाला, क्यों करने वाला, विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, इसके साथ ये भी होता है कैल्सिटोनिन, जितना खाएंगे ब्लड से ये कैल्शियम उठा के दे देगा किसको, बोन को, ले लो भाई। कब देगा? जब कैल्शियम ब्लड में जरूरत से ज्यादा होगा। क्या मैं कहूँ ये कैल्शियम को मेंटेन करता है, क्या मैं कहूँ हाइपर कैल्शियम को नॉर्मल करता है, हाइपर कैल्शियम ब्लड में, हाइपर कैल्शिमिया कहते हैं, और अगर कम हो जाए तो, अगर ब्लड में ये कम हो जाए कैल्शियम, ये प्रोड्यूस होगा क्यों? क्यों? इसका काम है हाइपर में आना, मतलब स्टिम्यूलस फॉर कैल्सिटोनिन प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, मतलब हाइपर कैल्शिमिया। चलो 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 चलो, दूसरी बात, ये किडनी के अंदर कैल्शियम को ब्लड से किडनी के अंदर भेजता है यूरिन में कैल्शियम को, फिर कैल्शियम को वापस आने ब्लड में नहीं देता, मतलब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम यूरिन फ्रॉम किडनी इनटू द वापस ब्लड नहीं होने देता, मतलब कैल्शियम को भेज देता है यूरिन में, वापस नहीं आने देता। और क्या मैं कहूँ, जो हमने खाया है खाना उसमें अगर ज़्यादा कैल्शियम है तो इंटेस्टाइन के ऊपर जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाले चैनल लगे होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, भाई पहले ही कैल्शियम ज़्यादा खाया है, कैल्शियम हमें चाहिए ही। तो आप जितना कैल्शियम खाएंगे, जितना खाएंगे इंटेस्टाइन से जो चैनल होंगे कैल्शियम वाले वो बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे तो कैल्शियम अंदर जाएगा ही, ये भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। सवाल पूछें, अगर बढ़ जाए कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम कम पड़ जाएगा या ज्यादा? कम, क्योंकि सारे कैल्शियम को उड़ा देगा। बोन में कैल्शियम बढ़ जाएगा या कम? बोन में बढ़ जाएगा, बोन पक्के, बोन खुश होंगे बड़े, हालांकि पहले खुश किसको करना है, ब्लड को, गलत कर रहा है और गलत नहीं करेगा नॉर्मल कंडीशन में, जब ये खुद एबनॉर्मल बन जाए, इसका ज्यादा हो जाना नॉर्मल कंडीशन है क्या? हार्मोन का ज्यादा हो जाना एबनॉर्मल कंडीशन है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, किडनी का स्टोन बनने का चांसेस बढ़ जाएगा। 70% जो स्टोन है आपके, हमारे, मेरा वाला जो स्टोन है वो कैल्शियम का बना हुआ है, सबका 70% में मैं भी आ गया। दरवाजे को बंद करे, अच्छा दरवाजो खोले आयो है, जो शेड अचे तो बोर्ड अचे हाने हो क्या? एक्रोमेगेली का मकसद है जब उम्र बढ़ जाए, हाइट बढ़ जाए, हाइट नॉर्मल बढ़ी है, आदमी की हाइट बिल्कुल नॉर्मल है जितनी उसकी होनी चाहिए, अब उसके बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो इसका जो नोज है वो मोटा हो जाएगा, इसके जो हाथ हैं वो मोटे हो जाएंगे, इसके जो पैर हैं वो मोटे हो जाएंगे, ठीक है, ये एक्रोमेगेली वाला है, इसका जो हाथ है वो 5 किलो का हो जाएगा, हथौड़ा है, हाथ नहीं हथौड़ा है, ऐसा हो जाएगा, मतलब बोन थिक हो जाएंगे, लंबे नहीं होंगे, वेलकम। चलो भाई, T3 और T4 दोनों मिला के पता है क्या करते हैं? दोनों मिला के मेटाबॉलिज्म। अब इनके लिए भी एक रखते हैं कि यहाँ पे पढ़ना है T3 और T4 का डिफरेंस, ये पेज इनके लिए, और ये पेज है किसके लिए, कौन सा हार्मोन छोड़ के आए हम, GnRH जो प्रोड्यूस करवाता है LH एंड FSH, यहाँ पे इनको पढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या क्या है। चलो भाई सुने, तो
एससी एड्रिनोकार्टिको एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिन एसी एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एड्रिनोकार्टिको एड्रिनो मतलब एडरनल ग्लैंड, कार्टिको मतलब उसका कॉर्टेक्स, ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या ट्रोफिन हार्मोन ये एडरनल ग्लैंड के लिए हार्मोन रिलीज करवाएगा पिट्यूटरी से। खुद किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का। किसके पास आएगा? पिट्यूटरी के इंटीरियर के पास आएगा, कहेगा हार्मोन बना के भेजो। कौन सा? ये मैंने सही लिखा है? नहीं सही लिखा मैंने। हाँ भाई, इसको लिखना चाहिए था CRF या CRH। ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, कोई नहीं बता रहा, किसी को याद नहीं। इंटर की बायो। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन CRH कहें या CRF कहें, ये हार्मोन आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस करवाएगा एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। ये पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये किसका है? हाइपोथैलेमस का। ये पिट्यूटरी से रिलीज होगा किसके कहने पर? CRF के कहने पर। तो ये कहाँ जाएगा? एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर। और एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा कौन से? तीन, दो तो हैं, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, वो तो मेड्यूला के हैं इमरजेंसी वाले, पता है। एडर्नल ग्लैंड के लिए ये हमारा पेज के भाई मिनरलोकॉर्टिकॉइड याद है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड और फेल्डोस्टेरोन, और क्या नाम है इसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन, जो फीमेल में भी प्रोड्यूस होगा, मेल में भी होगा, क्योंकि एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस हो रहा है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा कौन? ACTH। इसका हार्मोन है ये पिट्यूटरी का। ये खुद किसके कहने पे हार्मोन? CR हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी का हार्मोन एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से ये निकलेंगे। अब ये मिनरल्स को बैलेंस कराएगा साल्ट को ब्लड में, और ये ग्लूकोज को बैलेंस करवाएगा ब्लड में, और ये एंड्रोजन के कैरेक्टर्स को मेंटेन करेगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जैसा ही है। चलो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस पेज को वापस, ठीक है वापस। अच्छा, एडर्नल ग्लैंड से और भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये तो कहाँ से हुए? ये तो एडर्नल ग्लैंड के ये वाले हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हुए? कॉर्टेक्स से और मेड्यूला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बाय द स्टिम्यूलस ऑफ कोई हार्मोन या नर्व। कौन सी नर्व? सिंपैथेटिक नर्व। ये बाय द हार्मोन है जो डायरेक्ट न्यूरॉन के मैसेज से प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी हार्मोन से प्रोड्यूस नहीं होते। एक और भी आए हार्मोन जो डायरेक्ट न्यूरॉन के मैसेज से प्रोड्यूस होते हैं, कौन से? किसी ने कमेंट में लिखा है कि वेगस नर्व से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये बात सही है गलत है? 100% गलत, क्योंकि वेगस इज अ पार्ट ऑफ पैरासिंपैथेटिक एंड देयर इज नो नीड ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, है ना। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन तो इमरजेंसी के टाइम में ब्लड वेसल को डायलेट करने के लिए, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए, हार्टबीट को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेशन को बढ़ाने के लिए, ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए, है ना। ये स्पाइनल नर्व जो सिंपैथेटिक हैं उनसे स्टिमुलेटेड होते हैं। चलो
अच्छा, और हार्मोन ये वाले डायरेक्ट न्यूरॉन से नहीं प्रोड्यूस हो रहे, हाइपोथैलेमस को कौन, हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन है उनको कौन मैसेज दे रहा है? भाई सुने, तुमने ब्रेन पढ़ा था, मैसेज आई किडनी से, लिवर से, लंग्स से, ब्लड से, कहीं से भी ब्रेन के थैलेमस को, थैलेमस ने सोचा ये तो मैसेज किसकी है, हाइपोथैलेमस की है, तो थैलेमस ने हाइपोथैलेमस को मैसेज दी, न्यूरॉन ने मैसेज दी ना, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हार्मोन प्रोड्यूस किए, डिपेंड अपॉन द मैसेज कौन सी थी, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो हाइपोथैलेमस न्यूरॉन से मैसेज लेता है, बना ही न्यूरॉन का है मगर प्रोड्यूस हार्मोन करता है, तो इनके न्यूरॉन को कहा जाता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, न्यूरॉन होके हार्मोन बना रहे हैं, न्यूरॉन होके सिक्रेशन कर रहे हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स इसीलिए इनको कहते हैं। सुने भाई, हाँ आ गए हम, ये ग्लूको मिनरलो और एंड्रोजन को पढ़ेंगे, है ना। चलो होमियोस्टेसिस, अगर ग्रोथ को रोकना हो, अगर ग्रोथ को रोकना हो तो क्या करना चाहिए, अगर ग्रोथ को रोकना हो चाहिए, इसको रोकना चाहिए, और ये तब रुकेगा जब ये रुकेगा, तो इन दोनों को रोकने के लिए हाइपोथैलेमस के पास सोमेटोस्टेटिन होता है, सोमेटो इसको कहते हैं सोमेटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन को, सोमेटिक सेल्स को इंड्यूस करता है, ग्रोथ ट्रोफिन इंड्यूस करता है, ग्रोथ करो, और वो सोमेटोस्टेटिन सप्रेस स्टेसिस मतलब सप्रेस करता है, तो ये सोमेटोस्टेटिन मतलब ग्रोथ को, सोमेटिक पार्ट को ग्रोथ करने से स्ट्रेस करेगा, रोकेगा, तो ये सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद कर देगा, कहाँ से, पिट्यूटरी से, और ये सोमेटोस्टेटिन कहाँ से बनता है, क्या मैं कहूँ सोमेटोस्टेटिन इज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर ग्रोथ हार्मोन, अगर छोटी एज में सोमेटोस्टेटिन बन जाए अर्ली एज में, इनमें से कौन सी बीमारी होगी, क्यों, क्योंकि ये बढ़ गया तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो हाइट इतनी रह गई, है ना, समझ आ रही है ना बात, TIS प्रोलेक्टिन को इनहेबिट करने के लिए फैक्टर है, प्रोलेक्टिन इनहेबिटिंग फैक्टर किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का, पता है पिट्यूटरी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है प्रोलेक्टिन, तब जब ये नहीं होता, मगर ये होता ही होता है, अगर ये होता ही होता है तो ये नहीं होता, सही है ना, बट हाँ जब मिल्क बनाने का टाइम आता है एट दैट टाइम इसकी प्रोडक्शन को किया जाता है बंद, जब इसको बंद किया जाएगा तो प्रोलेक्टिन का बनना स्टार्ट, और प्रोलेक्टिन बन के क्या करवाएगा, मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा, मिल्क को रिलीज करवाना इसका काम है, इसका काम क्या है, मिल्क को रिलीज करना, मतलब कौन सा है जो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बना रहा है, और कौन सा है जो मेमोरी ग्लैंड से डक्ट के थ्रू मिल्क को रिलीज करवा रहा है, जो डक्ट हैं पतली हैं उन डक्ट को डायलेट कर रहा है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, डायलेट होंगी तो जो मिल्क है वो ज़्यादा निकलेगा, बच्चे को ज़्यादा मिलेगा, और ऑक्सीटोसिन तब पैदा होता है जब स्टिम्यूलस मिलती है, जब बच्चा फीडिंग करना स्टार्ट करता है मेमोरी ग्लैंड से, चलो भाई बच्चे ने फीडिंग करना स्टार्ट की, बेबी ने फीडिंग करना स्टार्ट की, ये स्टिम्यूलस है, हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, फीडिंग कंटिन्यू की, हार्मोन प्रोड्यूस होता रहा है और बढ़ता रहा है, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव, फीडिंग कंटिन्यू है, हार्मोन और बढ़ता जा रहा है,
और बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, प्रोलैक्टिन जब बनेगा, सॉरी टीआईएफ जब बनेगा तो प्रोलैक्टिन, मतलब जब प्रोलैक्टिन को बंद करना हो, मिल्क की प्रोडक्शन को बंद करना हो, तो कौन सा हार्मोन बनेगा, प्रोलैक्टिन या पीआईएफ? पीआईएफ। जब मिल्क को बनाना हो तो पीआईएफ को बस जस्ट रोकना है, पिट्यूटरी ऑटोमेटिकली ये प्रोड्यूस कर लेगा। तो इसका इसके ऊपर कौन सा कंट्रोल है? नेगेटिव, नेगेटिव। चलो भाई, अभी आ गए ऑक्सीटोसिन के दूसरे काम पर। क्या ऑक्सीटोसिन यूटीरस के अंदर जाके बच्चे की बर्थ करवाता है, है ना? पार्चुरीशन बर्थ या लेबर कह लें, लेबरिंग कह लें, ठीक है? क्या ओनली बच्चे की बर्थ करवाता है या प्लेसेंटा को भी रिमूव करवाता है? दोनों को। तो जब बच्चे का सर लगता है सर्विक्स में, ऐसा ही है ना, जब सर्विक्स को टच करता है बच्चे का सर, दैट इज स्टिम्यूलस, और स्टिम्यूलस आती है सर्विक्स के ऊपर, तो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन शुरू। ऑक्सीटोसिन बनता आएगा, कहाँ पे काम करेगा, यूटीरस की एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में या पेरीमेट्रियम में? मायो मतलब मस्कुलर, ऊपर से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बच्चे को नीचे धक्का आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चा नीचे 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 बच्चे की बर्थ हो जाएगी, और ऑक्सीटोसिन फिर भी कंटिन्यू रहेगा जब तक जो प्लेसेंटा है वो भी ना निकल जाए। तो बच्चे के बाद प्लेसेंटा भी निकलता है, और प्लेसेंटा को निकालना भी इज द फंक्शन ऑफ किसका, किसका फंक्शन है? तो ये दोनों पॉजिटिव फीडबैक हैं या नेगेटिव? क्योंकि बच्चा फीडिंग करना स्टार्ट कर रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, फीडिंग कंटिन्यू, इसकी प्रोडक्शन और बढ़ती जा रही है, बच्चे का सर सर्विक्स को स्टिम्युलेट कर रहा है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है, स्टिम्युलस बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ेगी स्टिम्युलस? सर्विक्स के ऊपर दबाव क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जितना भी ऑक्सीटोसिन पैदा हुआ उसने ऊपर से कॉन्ट्रेक्शन की, तो सर्विक्स के ऊपर खिंचाव बढ़ेगा, मतलब स्टिम्युलस बढ़ेगी तो ऑक्सीटोसिन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। पॉजिटिव फीडबैक है बिल्कुल। हाँ भाई, बात यह है 2024 में क्या पूछेगा, क्या पूछेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये वाले प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन एसीटीएच टीएसएच एलएच एफएसएच, इसके कहने पर, हाइपोथैलेमस के कहने पर, इंटीरियर पिट्यूटरी ये हाइपोथैलेमस है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, मीडियम पिट्यूटरी इंसान के अंदर रिड्यूस है, वैसे पतला होता है, ये न्यूरॉन है किसके, हाइपोथैलेमस के, ये स्टोमा है, ये डेंड्राइड है, ये एग्जान का क्या है टर्मिनल, ऐसे न्यूरॉन है कौन से पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो न्यूरॉन के साथ ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी किसके थ्रू कनेक्ट है, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, हाइपोफाइसिस इज अदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप सबको पता है कि ये वाले न्यूरॉन है, न्यूरॉन पहुंच रहे हैं पिट्यूटरी के पास नहीं, तो कैसे कनेक्ट है, ब्लड सिस्टम से, ब्लड से। तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे ब्लड में, और ब्लड ले आएगी पिट्यूटरी के पास, तो ग्रोथ हार्मोन, सॉरी कौन से हार्मोन, सारे जो ये हार्मोन है, ये वाले ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला, गोनेट वाला, टीआरएफ, डीआरएफ, एसएच, प्रोलैक्टिन, ये ब्लड के थ्रू आएंगे या न्यूरॉन के थ्रू आएंगे इंटीरियर में, न्यूरॉन के साथ कनेक्शन ही नहीं है डायरेक्ट, तो ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू आएंगे, पोर्टल सिस्टम मतलब ब्लड, ब्लड के थ्रू आएंगे। और ये वाले जो हैं, ये वाले दो, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएंगे, कहाँ पे, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तो हाइपोथैलेमस है ना, ये कहाँ पे बनते हैं,
ये कहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे कौन सा बनता है? ऑक्सीटोसिन और एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच बने यहाँ पे हैं, मगर आके यहाँ पे स्टोर होंगे। तो यहाँ पे स्टोर हुए हैं मतलब कहाँ पे स्टोर हुए हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, बने हैं हाइपोथैलेमस में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर अपने सेल्स में स्टोर नहीं होते, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन की चोटियों में स्टोर होते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन अपना प्रोड्यूस नहीं करता, ये सवाल आएगा। मैं कह रहा था जो ये सवाल आएगा कि कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो सीक्रेटरी नेचर का नहीं है, एंटीरियर या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर क्योंकि वो हार्मोन हाइपोथैलेमस वाले रस के आगे भेजता है, और इसने हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन के कहने पे अपना हार्मोन प्रोड्यूस किया, इसके कहने पे अपने हार्मोन प्रोड्यूस किए, इसके कहने पर अपना हार्मोन प्रोड्यूस किया या नहीं किया? ये इनके कहने पर कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, इनको ही स्टोर करके आगे भेजता है। चलो भाई, अब जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, पिट्यूटरी की जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी हाइपोथैलेमस की ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, इन्फंडिबुलम, ठीक है। और ये पिट्यूटरी, इसको एडिनो हाइपोफाइसेस, न्यूरो हाइपोफाइसेस। इंसान के अंदर मीडियन पिट्यूटरी नहीं है, बाकी एनिमल्स के अंदर है, दो सेल्स की लेयर का है, पतला है मीडियन पिट्यूटरी, ठीक है भाई। चलो, बात हमारी आ गई यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे T3 एंड T4 पे। हाँ भाई बताएं जल्दी, T3 एंड T4 कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? थायराइड से, इसके कहने पर ये पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये किसके कहने पे प्रोड्यूस हुआ? थायराइड, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर के कहने पर, है ना। अब T3 थोड़ा फास्ट है काम करने में, T4 थोड़ा स्लो है काम करने में। इसमें तीन आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं हार्मोन के साथ, इसमें चार एटम्स हैं इसके आयोडीन के, इसीलिए इसको ट्राई आयोडोथ्रियोनिन कहा जाता है। ट्रेट्रा आयोडोथ्रियोनिन अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, थ्रियोनिन, ट्रेट्रा आयोडो थ्रियोनिन के साथ चार आयोडीन है, ट्राई आयोडो तीन आयोडीन है थ्रियोनिन के साथ। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है या प्रोटीन के बने हुए हैं, अमाइनो एसिड नेचर के हैं, जो अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं या प्रोटीन के नेचर के होते हैं उनका रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन पर, आगे डिस्कस करेंगे। जो लिपिड वाले हार्मोन होते हैं जैसे गोनेड के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे लिपिड रीजन से क्रॉस करके चले जाते हैं। बहरहाल T3 और T4 दोनों का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म करना। मगर अगर जल्दी में मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करना हो तो कौन सा हार्मोन चाहिए? तो सिंपैथेटिक में ज्यादातर जरूरत T3 की होती है, वैसे दोनों की होती है। नॉर्मल कंडीशन में T4 की जरूरत होती है। T4 एक्शन में स्लो है मगर ज्यादा प्रोड्यूस ये होता है, 90% प्रोड्यूस ये होता है, क्योंकि ये तगड़ा है तो इसकी प्रोडक्शन कम रखते हैं। अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो जो मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन है वो 420 की स्पीड पे चला जाएगा, और इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते? इतना खा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना ये खाना उड़ा लेगा, समझा रही है। इतनी एनर्जी बनाएगा कि हीट पसीने के फॉर्म में इतनी बहेगी, हीट का कंट्रोल नहीं रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। हाँ भाई, अगर T3 और T4 के बाकी काम की बात करूँ तो ये ग्लूकोज की ब्रेक डाउन भी करवाता है, मतलब रेस्पिरेशन, है ना।
ये कोलेस्ट्रॉल की मेटाबॉलिज्म भी करवाता है, ये बनाता है कोलेस्ट्रॉल स्पेशली, और ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन भी करवाता है इनटू अमीनो एसिड देन इनटू शुगर भी करवाता है। तो अमीनो एसिड से शुगर बनती है ना, प्रोटीन से अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब भी करवाता है। जिस सेल को ग्रोथ करनी हो वो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जिसके पास ज्यादा ये हार्मोन होंगे वो कहेगा, मतलब ये हार्मोन ज्यादा होना मतलब बॉडी का हुक्म है कि भाई तुम्हें काम ज्यादा करना है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी बनाना है, लेकिन इसको ज्यादा अमीनो एसिड चाहिए। ये बाकी सेल के कंपेरिजन में ये ज्यादा अमीनो एसिड एब्जॉर्ब करेगा, समझ आ रही है बात। चलो, या प्रोटीन को तोड़ के अपने अमीनो एसिड बनाएगा कुछ करने के लिए, या एनर्जी के लिए अमीनो एसिड को और शुगर में कन्वर्ट करेगा, वो तो तब ना जब शुगर अवेलेबल ना हो। चलो भाई, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करवाता है। अगर छोटा बच्चा हो, T3 और T4 प्रोड्यूस ना हो, मुझे बताएं नर्वस सिस्टम डेवलप होगा नहीं, और ग्रोथ होगी। ग्रोथ हार्मोन के साथ ये भी काम के हैं, अगर ग्रोथ वाला अवेलेबल हो, ये वाले अवेलेबल ना हो तो ग्रोथ कैसे होगी मेटाबॉलिज्म के अलावा, समझ आ रही है बात। तो अगर ये नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी, हाइट पड़ जाएगी डॉर्फिज्म की तरह, मगर उसे क्रिटिनिज्म कहेंगे, क्रिटिनिज्म कहेंगे। क्रिटिनिज्म और डॉर्फिज्म में, डॉर्फिज्म में ये फर्क है, यहाँ पे खोपड़ी पर भी असर होगा। डॉर्फिज्म में खोपड़ी रिमेन ओके, आईक्यू रिमेन ओके, यहाँ पे आईक्यू लेवल कम होगी, बच्चा जो है मस्त मलंग टाइप का होगा, आईक्यू लेवल उसकी जो है वो कम होगी बिल्कुल। चलो, तो नर्वस सिस्टम के डेवलप होने के लिए इसकी कंसंट्रेशन चाहिए। अच्छा, और तो और मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के लिए भी ये चाहिए। और तो और GIT की जो मूवमेंट है, GIT के अंदर जो पेरिस्टलिसिस है उनके अंदर भी इनके काम है, तो कुल मिला के बड़े काम के हैं। ठीक है, चलो भाई, इसका पेज है ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस, जहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। अभी एक मैं किस्सा पढ़ाऊंगा GnRH का कंट्रोल FSH एंड LH पर इनके साथ फीमेल, एक पढ़ाऊंगा मेल। भाई फीमेल के अंदर तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि FSH आया, किसको स्टिमुलेट किया इसने, फोलिकल को। फोलिकल क्या हो गई, बड़ी, बड़ी हो गई तो फोलिकल से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। अब पूछेगा ये कि FSH ने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करवाया, कौन सा फीडबैक इसका इस पर, मगर इसका इस पर, क्योंकि इस्ट्रोजन बढ़ेगा तो FSH कम हो जाएगा, मैंने पढ़ाया था। चलो भाई, इस्ट्रोजन जैसे बढ़ेगा, इस्ट्रोजन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, है ना। चलो, ग्रोथ करवाएगा, स्पंजी बनाएगा, वस्कुलर बनाएगा। LH क्या करेगा, ग्रासन फोलिकल पर काम करता है, पहले ये काम करेगा या वो, FSH फोलिकल को बढ़ा करेगा ग्रासन के फॉर्म में, तो LH आएगा 14th डे पर। अब ये भी पूछ सकता है FSH की कंसंट्रेशन मैक्सिमम ज्यादा कब है, पहले दिन मेंस्ट्रुएशन के बाद, है ना, जैसे बनता जाएगा कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे बनेगा इस्ट्रोजन बनेगा, जैसे इस्ट्रोजन बढ़ेगा तो ये कम होगा, समझ आ रही है। इसीलिए ग्राफ कैसे बनाते हैं FSH का ऐसे। चलो, ग्रासन फोलिकल से क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटम बनवाएगा, तो वहां से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, तो क्या कहूं, LH ने प्रोजेस्टेरोन बनवाया, और प्रोजेस्टेरोन का इस पर नेगेटिव फीडबैक, बल्कि इस पर भी नेगेटिव फीडबैक, ठीक हो गया। जैसे प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा GnRH खत्म, कब प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब कार्पस ल्यूटम खत्म हो जाएगा, एंड एंड कंडीशन, प्रेगनेंसी नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्लेसेंटा नहीं बनेगा, दूसरा सोर्स ऑफ
प्रोजेस्टेरोन, तब GnRH बनना अगेन स्टार्टेड बाय द हाइपोथैलेमस इन द एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम बोथ सोर्सेस। समझिए तो किस्सा इजी था। अब बात है यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है। HSH आके काम करता है सर टोली सेल्स पर। मैंने पढ़ाया था कि सेमी सिरस ट्यूब के अंदर ये सेल्स होते हैं सर टोली सेल्स, जिनको आप नर्स सेल भी कहते हैं, फूड एंड फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। अलोंग विद दैट ये एक चीज प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये नए बुक में लिखी है, बाकी किसी बुक में नहीं है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन किसने बनाई? सर्टोली ने। क्या कहूँ, FSH ने ये बनवाई सर्टोली से। हाँ, LH ने क्या किया? LH ने जाके काम किया कौन से सेल पर? लेडीज या इंटरस्टीशियल सेल, याद है ना? ये तो लेडीज सेल से प्रोड्यूस हुआ टेस्टोस्टेरोन। क्या कहूँ, LH प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन की। अब जो ये प्रोटीन है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये वाली जो प्रोटीन है, ये एक ग्लोबुलर टाइप की प्रोटीन है। टेस्टोस्टेरोन बनता जाएगा और आके अटैच होगा कहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। इसका काम क्या हुआ? एक तो अट्रैक्ट द टेस्टोस्टेरोन या टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बात समझ आ रही है? अब आपके बुक में नए से पहले, नए में भी हाफ लिखा हुआ है, क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन स्पर्म बनवाता है, FSH भी स्पर्म बनवाता है, LH भी स्पर्म बनाता है। फर्क कैसे समझे, क्यों इनको मिलाता है? तो इनका म्यूचुअल काम है, क्योंकि अब टेस्टोस्टेरोन भी तो FSH के बनाए हुए प्रोटीन पे आ गया ना। अब टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दोनों मिलके जाएंगी स्पर्म बनाने के लिए कौन से सेल पर? जर्म सेल, जर्माइनल सेल, स्पर्मेटोगोनिया। समझ आ रही है बात? तो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म तो सेल है ना, सेल तो सेल की डिवीजन से बनते हैं ना, तो डिवीजन तो ये करेंगे स्पर्म बनाने के लिए ना। मतलब जो मैसेज है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है एंड टेस्टोस्टेरोन है। अब अगर हार्मोन पूछे इसमें से और इसमें से, स्पर्म बनाना इसका काम है, क्योंकि ये हार्मोन एज खुद ये आया है स्पर्म बनवाने के लिए टेस्टोस्टेरोन। और यहाँ से कोई हार्मोन नहीं आया, एक प्रोटीन है जो टेस्टोस्टेरोन की कैरियर है वो आई है। तो हार्मोन के हवाले से ज्यादा टाइटल बुक वाला इसको देता है और सही करता है। असल वजह ये है, समझ आ रही है बात? FSH डायरेक्ट आया, LH डायरेक्ट तो नहीं आया, टेस्टोस्टेरोन तो डायरेक्ट आया ना। अब इसका बनाया हुआ हार्मोन जो, अच्छा अगर एक और बात पूछूं, अब FSH और LH को कम करना है, कैसे कम होंगे? भाई एक लिमिट है ना स्पर्म के बनाने की, फॉर वन इजेक्युलेशन। अगर ज्यादा स्पर्म बनेंगे तो नुकसान है, इपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म को स्टोर होना है। तो LH अगर बढ़ेगा तो स्पर्म भी बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तब स्पर्म बनना स्टार्ट। जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो मैक्सिमम है तो स्पर्म प्रोडक्शन का रेट भी क्या है? पैरेलल मैक्सिमम है। तो जब रेट मैक्सिमम रेट जब है, रेट जो है स्पर्म का मैक्सिमम रेट चल रहा है तो अब रोकना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन इनहेबिट करता है एंटी प्रोडक्शन को। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब सर्टोली एंड टेस्टोस्टेरोन मिलके स्पर्म बनाते हैं तो सर्टोली एट द एंड
एक और भी चीज बनाता है। कब बनाता है? एट द एंड, जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल हाई और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की लेवल भी हाई, एट दैट टाइम लास्ट में हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इनहिबिन। वो इधर नहीं जाता, स्पर्म को कंट्रोल करने के लिए इधर नहीं जाता, इसका काम है इधर एंड इधर। कौन सा फीडबैक? इनहिबिन कंट्रोल करता है इसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को देख के सर्टोली बनाता है। सर्टोली सेल पहले ये बनाता है, ये बना के बाद में ये बनाता है। जब ये बना लेता है, ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन आ जाते हैं तो स्पर्म को रोकने के लिए ये बनाता है और ये जाके स्पर्म को रुकवाते हैं, तो स्पर्म बनना रुक जाती है और जर्म सेल से ऐसे स्पर्म बनेगी। अब स्पर्म जो है वो स्पर्मेटिड हैं, ये स्पर्म बनेंगे और स्पर्म जो हैं वो आगे स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया था। ये कौन सा किस्सा है? हाँ भाई, एक बड़ी मज़ेदार किस्म की बीमारी है जिसका नाम है कशिंग सिंड्रोम। कौन से हार्मोन की वजह से? ग्लूको या मिनरलो, LH को मेल में ICSH कहते हैं। LH को मेल में इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेडिंग क्या है? इंटरस्टीशियल सेल्स है ना, इसको इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। हाँ भाई, क्या पूछा मैंने सवाल मखान करिए? क्रशिंग सिंड्रोम किसकी वजह से? ग्लूकोकार्टिकॉइड या मिनरलो? 5 मिनट खड़ा तो सवा के क्लास स्टार्ट कर, क्लास 10 मिनट बगार पानी तो प्यार में। यार 10 मिनट पढ़ाए वा जल वा बी माइक आए हुआ मैं गाड़ी में रखी तो खड़ी है ताकि वो मैं स्पीकर खड़ने का गुजरी तो वे महीने जो ये हार्मोन याद नहीं होते, भूल जाती हैं, याद करना पौंदा। मां की रटो लगाए रटो लगाना पौंदो, तावीज वांगुर याद करना पौना, दुआ वांगुर याद करना पौना। सुने भाई, हाँ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन सोडियम को बैलेंस करता है कहाँ पे? किडनी के अंदर, और सिस्टम चलाता है जिसको कहते हैं रास रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मतलब ये है, मैंने PDF बनाने के लिए पेजेस भेजे थे ऑपरेटर को, अगर जो ऑपरेटर था वो रास्ते में था इसलिए PDF नहीं बनी, नहीं तो आज मैं PDF से पढ़ाता आपको। फिर 3 बजे उसने 2-5 मिनट पहले बताया कि PDF नहीं बन पाई आज, चलो भाई ऐसे ही काम चलाते हैं। तो उसमें मैंने ये, या आपके बुक में है रास सिस्टम, खोलें तो आसानी से समझ आ जाएगा। देखें कैसे किडनी से रेनिन बनती है, कहाँ से? रेनिन हार्मोन है, एंजाइम भी है रेनिन, वो बात नहीं कर रहा। रेनिन कहाँ से बनता है? ये बन के आता है कहाँ पे? ब्लड में। और बताए ब्लड में एक प्लाज्मा प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में। मतलब ब्लड में क्या बनाता है ये?
क्या बनाता है? प्लाज्मा प्रोटीन से एंजियोटेंसिन। वो एंजियोटेंसिन कहाँ से बनता है पता है? लिवर से। मतलब किडनी से बन के लिवर वाले प्रोटीन को, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट किया इसने एंजियोटेंसिन वन में। फिर ये एंजियोटेंसिन वन, एंजियोटेंसिन कितने हैं? वन भी टू भी। इसने किसको एक्टिवेट किया? वन। आपके बुक में लिखा है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट किया। मैं कह रहा हूँ प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट किया। बात एक ही है, प्लाज्मा प्रोटीन या एंजियोटेंसिन। प्लाज्मा लिवर बना रहा है ब्लड के लिए प्रोटीन। ये एंजियोटेंसिन क्यों नाम है एंजियोटेंसिन? एंजियो मतलब ब्लड वेसल, टेंस मतलब कंस्ट्रिक्ट करना। ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करवाने के लिए होता है एंजियोटेंसिन, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो रेनिन, रेनिन ने एंजियोटेंसिन को क्यों प्रोड्यूस करवाया? ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए। तो इसका काम है ब्लड प्रेशर को हाई करना, मगर अकेला नहीं। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टीरोन के साथ, ये खुद एल्डोस्टीरोन है, बाकी दो के साथ इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? एंजियोटेंसिन टू। देखिए एंजियोटेंसिन वन किसका है? एंजियोटेंसिन वन लिवर का। कहाँ पे एक्टिवेट हुआ है? और ये जाएगा लंग्स में, ये लंग्स में जाके एंजियोटेंसिन टू में कन्वर्ट हो जाएगा लंग्स में। मतलब ब्लड में ही है मगर ऑर्गन लंग्स होगा, समझ आ रही है? एंजियोटेंसिन टू बन गया, एंजियोटेंसिन टू जाके प्रोडक्शन करवाएगा एल्डोस्टीरोन की कहां से? कहां से भाई? एल्डोस्टीरोन मतलब मिनरलो कॉर्टिकॉइड, मतलब कॉर्टेक्स से। तो ये लंग्स वाला एंजियोटेंसिन टू आके एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्विच ऑन करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। ये प्रोड्यूस होगा, किडनी को कहेगा सारा सोडियम वापस इनटू द ब्लड, रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। जब सोडियम आ गया ब्लड में तो पानी रुकेगा, पानी भी आ जाएगा। जब पानी आ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। दो तरीकों से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, एक ब्लड वेसल को पतला करके और दूसरा सोडियम और पानी को बढ़ा के। जब सोडियम और पानी बढ़ेगा तो प्लाज्मा बढ़ेगी, तो फ्लो तेज होगा, समझ आ रही है? तो इसके इसके बढ़ने से क्या हार्ट बीट बढ़ सकती है या नहीं? ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ओके ओके। फिर आ सिस्टम। अच्छा, ग्लूकोकार्टिकॉइड से दो बीमारियां होती हैं, एक का नाम है कौन सा? कशिंग सिंड्रोम। दूसरी का नाम है एडिसन लो लेवल ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड, कशिंग सिंड्रोम हाई लेवल ऑफ। अब ग्लूकागॉन का काम क्या है? शुगर को बढ़ाना ब्लड के अंदर। कहाँ से? मस्किल और लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन से, स्पेशली कहें लिवर से स्टोर्ड ग्लाइकोजन से। मतलब ग्लाइकोजन को चढ़वाना, अगर ग्लाइकोजन टूट गई फिर भी शुगर की कमी है तो ग्लूकागॉन जाएगा एडिपोज टिश्यू में, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के शुगर बनवाएगा, समझ आ रही है? फिर भी कमी है तो प्रोटीन को तोड़ के शुगर बनवाएगा, ठीक हो गया? अब ये ग्लूकागॉन का काम नॉर्मल कंडीशन में, जब शुगर कम हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोकैल्शीमिया, कैल्शीमिया मतलब कैल्शियम की कमी। वो हाइपरकैल्शीमिया में कौन सा हार्मोन आया था? ठीक ठीक, चलो ये हाइपरग्लाइसीमिया में आएगा या हाइपोग्लाइसीमिया में? हाइपो में ग्लूकोज कम है, ग्लूकोज बढ़ा के देगा, नॉर्मल करके देगा। और इंसुलिन हाइपर में आता है, नॉर्मल बनाता है, जैसे ग्लूकागॉन ने किया उससे उल्टा काम करता है। अब ग्लूकागॉन का काम और इसका कंपेयर करना है। जब आप बीमार हो, अल्लाह ना करे कोई और भी नहीं, बीमार हो कोई भी, अब एनर्जी चाहिए, अब लॉस ऑफ एपेटाइट होगा कि नहीं होगा? आप नहीं खा पाएंगे, जब खाएंगे नहीं तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। एट दैट टाइम
बॉडी को जो आसान तरीन काम लगता है थोड़ा काम करके एनर्जी लेने के लिए, वो लगता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये प्रोड्यूस होता है और अपने बॉडी के सेल्स को मार के, प्रोटीन्स को मार के, एबनॉर्मल सेल्स को मार के, छोड़ के उनसे शुगर अमाइनो से दिए वो चीज़ें बना के देता है बॉडी को। एमरजेंसी कंडीशन में, बीमारी की कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये काम करता है। और ग्लूकागन नॉर्मल जब ठीक ठाक है मगर भूख पर है, मजा आ रही है, वो कहाँ से, वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ये अपने बॉडी के अंदर, अगर लिवर में चाहिए तो लिवर में से ही कहीं सेल्स को, प्रोटीन को, अपने ऑर्गेनेल को मरवा के वहीं से ये शुगर को प्रोड्यूस करवाएगा। शुगर को ये भी प्रोड्यूस ग्लूकोज बनवाता है मगर अपने बॉडी के पास को तोड़ के, समझ आ रही है बात, इमरजेंसी में। चलो बात क्लियर हो गई। अगर ये बढ़ जाए, अगर ये बढ़ जाए, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड विल बी इंक्रीज और ब्लड प्रेशर, जब शुगर बढ़ गई तो पानी, शुगर मतलब ग्लूकोज मतलब सॉल्यूट पानी आ जाएगा ब्लड में। क्यों? शुगर वाले को ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है लाजमी, शुगर वाले को हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि शुगर है मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है तो पानी ब्लड में ज़्यादा रहेगा, तो ये मोटा भी होगा और ये इसको ब्लड प्रेशर का मसला भी होगा, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ब्लड वेसल पतली भी हो सकती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है शुगर वाले पेशेंट से, चांसेस है ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन, बॉडी में हीट, टेम्परेचर, बॉडी का वेट या लॉस, भाई कशिंग सिंड्रोम में वेट का किस्सा क्या होगा ये आपने सही तरह से बताना है। चलो, और एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, एडिसन्स में क्या होता है, ग्लूकोज जितना शुगर चाहिए बाहर से तो खा नहीं रहे, इमरजेंसी कंडीशन है और उस इमरजेंसी में ये जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उससे कम हुआ है, तो बॉडी को वाइटल एक्टिविटीज करने के लिए सफिशेंट फूड मिलेगा नहीं मिल पाएगा, ग्लूकोज बन पाएगा बॉडी के पास, टूटेंगे नहीं टूटेंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बाहर से तो खा नहीं रहे, इमरजेंसी है, बीमारी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, वो कंफर्म है, अब ये भी ग्लूकोज नहीं बना के दे रहा क्योंकि ये कम है, मतलब कितना होना चाहिए, नॉर्मल या ज़्यादा या कम, नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा तो कशिंग सिंड्रोम, कम तो, अब एडिशन में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम, ब्लड का प्रेशर कम, ब्लड का फ्लो कम, सर्कुलेशन कम, हार्ट का रेट स्लो, रेस्पिरेशन का स्लो, ज़्यादा फटीग, एनर्जी बिल्कुल नहीं, उसने जितना पाइलेक्टिक एसिड की प्रोडक्शन है एनरोबिक पे जुगाड़ है ना, तो ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी पेन वगैरह कम होगा, लेजीनेस कम होगी, यहाँ पे लेजीनेस बढ़ जाएगी। हाँ भाई, वेट गेन किधर होगा, एडिशंस में या कशिंग में? एडिशंस में बॉडी के पार्ट नहीं टूट पा रहे ना, मसल की वास्टिंग कहाँ पे होगी, डैमेज हो जाएंगे मसल ज़्यादा, तो मसल के हवाले से वेट लॉस होगा कशिंग में, है ना, मसल के हवाले से वेट लॉस होगा कशिंग में, और एडिशंस में स्वेलिंग होगी, एडिशंस में, अच्छा इसमें वेट गेन बुक में लिखा हुआ है कशिंग में वेट गेन, वो क्यों लिखा हुआ है ये भी बात क्लियर कर लूँ, ऐसा ना हो कि मेन पॉइंट है जो बुक के उल्टी मैंने बताई है और असल बात बताई नहीं मैंने, ऐसा लिखा हुआ है ना कि वेट गेन होगा कशिंग में, ये कैसे, मसल की वास्टिंग होगी मगर जो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा कोलेस्ट्रोल में। अब बताएं,
ओवरऑल वेट गेन होगा, मसल की वॉशिंग होगी, मसल के हवाले से थोड़ा फर्क पड़ेगा, मगर फिर कंटिन्यूसली वेट कुल मिला के अगर पूछे तो वेट गेन होगा, मसल के हवाले से लॉस होगा, और कुल मिला के पूछे तो हम गेन की बात करेंगे। हाँ भाई, एडिसन जो बीमारी है उसमें रंग काला पड़ जाएगा, मेलानिन की प्रोडक्शन कम पड़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी प्रोटेक्शन के लिए, ज़्यादा हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, जो सेल्स हैं वो जो मतलब जो पुरानी स्किन है अंदर से नहीं बनती है, नई फ्रेश स्किन नहीं बनेगी, पुरानी ही रहेगी, इस हवाले से ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, मेलानिन बढ़ जाएगी, नहीं प्रोड्यूस होके नहीं, हमारी स्किन शेड होती है नहीं बनती है, अगर स्किन को प्रॉपर फूड मिले ना, एडिसन में मिल ही नहीं रहा। कोल्ड इंटॉलरेंस एडिसन में होगा या कशिंग में होगा, क्यों? मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है तो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्यों? एडिसन कोल्ड इंटॉलरेंस होनी चाहिए ना, इसको बिकम एडिसन कोल्ड इंटॉलरेंस होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए हीट को जनरेट करने के लिए, हीट जनरेट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो थोड़ी भी ठंड आई तो ठंड पे ठंड लग जाएगी, एज गॉन या कशिंग में, मुझे बुक करियो या चतुर चाहे की कशिंग में छो तो चाहे बुक। एडिशन होना चाहिए ना, अरे छोकरी में बड़े कॉन्फिडेंस चाहिए, छा कहे इसी वट जो कहीं बुक मां अबा बस खोड़ थी वो ठीक पढ़ जोर से ये हार्मोन पड़ी छे जो ये वारा केड़ा सीक्रेटिंग ड्यूडिनम से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करवाने जाएगा या रिलीज करवाने, रिलीज तो ये करवाता है पॉलीसिस्टोकाइन, ये डक्ट पर जाके काम करेगा कि गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैंक्रियाटिक डक्ट से जूस, ये लिवर से बाइल जूस प्रोड्यूस करवाएगा और पैंक्रियाटिक से लेसिनार से बाइकार्बोनेट आयन मतलब पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करवाएगा, सीक्रेट करवाएगा, गैस्ट्रिन स्टमक में गैस्ट्रिन जूस बनवाता है और प्रोजेस्टेरोन पढ़ाए ना, पैराथायरॉइड ग्लैंड का एक हार्मोन है जो पैराथायरॉइड ग्लैंड कितने होते हैं, चार ना, थायरॉइड के अंदर पीछे मटर के दाने जितने, ये ऐसे ग्लैंड हैं जो पैराथ्रोमोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो पैराथ्रोमोन हार्मोन काम करता है अपोजिट टू द कैल्शियम, मतलब ये कब प्रोड्यूस होगा जब कैल्शियम कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कैल्शियम को बढ़ाएगा, मतलब बोन जो है उनसे कैल्शियम इनटू द ब्लड, किडनी जो है उनसे कैल्शियम वापस इनटू द रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और जो इंटेस्टाइन है उससे कैल्शियम इनटू द ब्लड एब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम की,
बस अगर के ये तेरा थ्रोमोन बढ़ गया तो लीडिंग टू द किडनी स्टोन या नहीं? जब ये बढ़ जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा कैल्शियम ब्लड का अगर आ गया तो इन जगहों से तो आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, किडनी को एक्सक्रीट करेगी तो यहाँ पे स्टोन बनने के चांसेस कैल्सिटोनिन की लो कंसंट्रेशन में होते हैं और पैराथ्रोमोन और कैल्सिट्रियोल की हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। अगर ये कम हो जाए तो हाइपोकैल्सिमिया रिमेन हाइपो तो क्या होगा जब कैल्शियम लो हो जाए तो स्पाज़म आएंगे झटके मसल्स के, नर्व एक्टिवेट रहेंगी, कैल्शियम की कमी की वजह से सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम नहीं होगा तो मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, कंटिन्यूस करेंगी कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम की एब्सेंस में, और न्यूरॉन हमेशा एक्टिवेट रहेंगे। न्यूरॉन को अनएक्टिव करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, एक मैसेज जो जाएगी वो कंटिन्यू बार बार जाएगी तो न्यूरॉन एक्टिवेट रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, मसल के अंदर एबनॉर्मल झटके होंगे। चलो भाई, इट्स ऑल अबाउट अनकंट्रोल मूवमेंट होती है जैसे आई हुई। हाँ, अब काफी हो गए हो।